पिताजी जी क्या हाल है? वो तो प्रेस यार, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोले। और यार तो प्रेस, बस मैं ना वो अस्पताल आया था एक दोस्त की आदत करने के लिए। और पुत्री तुझे मैंने वो रकम, बिन बातों का कोई फायदा नहीं है अपा। क्या मतलब? मेरे पास कुछ होगा तो मिलेगा। कुछ नहीं है मेरे पास, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता। पुत्री मुझे लगता है कि तू ना आज जरा जल्दी उठ गया, तेरी नींदर पूरी नहीं हुई, मजाक कर रहा है तू बाप के साथ, है ना? बहुत देर हो चुकी है अब्बा, मैं अगले दिन वापस आ रहा हूं। वापस आ रहे? अच्छा चल ठीक है, आ जाओ, जमझम आओ, तुम्हारा अपना घर है, तुम आओ फिर बात करते हैं, है? अल्लाह हाफिज। सफिया जी। अब्बा क्या हुआ? उधर माँ कहाँ है? अरे क्या हो गया, बाजू पे बाजे दे रहे हैं, सफाई कर रही थी इधर। हाँ जी। वो इधर तो आओ। हाँ जी। मेरी तबरेज से बात हुई है, अभी कॉल की थी मैंने उसे। अच्छा है, वाकई क्या कह रहे थे, कब देंगे रकम? तो पुत्री साथ ले लो, आराम से बता रहा हूँ, तबरेज आ रहा है माशाल्लाह। आ रहा है? बीमार बीवी को छोड़ के वो कैसे आ सकता? वो दुर्योधन उसके साथ है, मेरा ख्याल है वो दुर्योधन को छोड़ने आ रहा है। चलो ये तो खैर बहुत ही अच्छा किया, ऐसे भी अकल आई है उसे यहाँ छोड़ने आ रहा है। तो और क्या, मुफ्त की ऐशी कर रही थी वहाँ पे। हाँ बेगम साहब बन के बैठी हुई थी, मौजे ले रही थी उधर, आए आके सीधा घर संभाल ले अपना। अम्मा अब मैं बता रही हूँ, उसको उसकी औकात में रखिएगा। बस छोड़ो इन सब बातों को, क्या क्या पुत्र आ रहा है तुम्हारा, कोई रोटी पानी का बंदोबस्त करो। हाँ मैं देखती हूँ भला फ्रिज में क्या पड़ा है, गोश्त है चिकन है, मैं देखती हूँ जरा। अच्छा अब्बा मैंने ये कहना था, तबरेज भाई आएंगे ना तो उनसे जरा तफसील से रकम के बारे में बात की थी। तू फिक्र ना कर, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। हैं मेरा तो ख्याल है मौसम ना तब्दील हो गया, मैं जरा मच्छी ना पकड़ लाऊं, मैं मच्छी का इंतजाम करता हूं। मैं क्या सफिया मच्छी ना ले आऊं, दरियाई मच्छी मैंने रास्ते में देखी है, ए रहू मैं लेके आया। और आ रहा है जरा खातर मदारत कर।